सो राइट गाइज, आई होप यू आर ऑल वेल एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग वीडियो। तो मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मैं डेली ब्लॉग वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, बट मुझसे नहीं हो पाता है क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ इसीलिए। तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने की। और मैं संडे को यानी रविवार को मैं ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ, बट उतना अच्छे नहीं बन पाता है मुझसे, इसलिए मैं ब्लॉग वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग वीडियो था, आई मीन सबसे पहले मैं जो ब्लॉग वीडियो बनाया था, तो मैं अपना गाँव में ही बनाया था, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो पूरा का पूरा वीडियो ही बेकार हो गया था। और ऐसे भी मुझे कोई अच्छा सा टॉपिक नहीं मिलता और कोई अच्छा सा लोकेशन या कोई जगह नहीं मिलता है वीडियो बनाने की, तो मैं सोचा क्यों ना अपना गांव में एक अच्छा सा वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जगह दिखाऊंगा और वो है एक छोटा सा पुल, तो वहीं पे जाकर मैं वीडियो बनाऊंगा। और वो जो पुल है वो दिखने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका आसपास का नेचर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सुंदर है। तो मेरा पीछे भी देख सकते हो, इधर भी कुछ एक मतलब बढ़िया नेचर है। और वहीं पे दिखाऊंगा जाऊंगा, तो वहीं पे सब कोई आता है आसपास के गाँव से, सब कोई वीडियो बनाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, रील्स वीडियो, ज़्यादातर रील्स वीडियो ही बनाते हैं। तो मैं अभी वहीं पर जाऊँगा और वीडियो बनाऊँगा, कुछ सिनेमेटिक शॉट भी लूँगा। और वहाँ का आसपास का नेचर काफ़ी बढ़िया है, तो उम्मीद करता हूँ बैकग्राउंड भी काफ़ी बढ़िया आएगा। तो चलो चल के देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हो मेरा पीछे यही है वो पुल। और मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये जो पुल है ये उतना अच्छा नहीं है दिखने में, तो आप लोग देख सकते हो कितना कचरा से भरा है। और यहाँ का जो नेचर है काफ़ी बढ़िया है, पहले ही बोला था, तो आप लोगों को और भी अच्छे से दिखाऊँगा। तो आओ चलो दिखाते हैं आप लोगों को ये वाला पुल। तो गाइज, मैं यहीं पे कुछ डायलॉग को कुछ उल्टा पुल्टी बोल दिया, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरा पीछे बहुत सारा कचरा से भरा हुआ है, लेकिन उतना कचरा नहीं है, पहले तो बहुत था। इधर देख सकते हो, इधर कुछ थोड़ा बहुत है, मतलब गाड़ी के हवा के वजह से उड़ के चला गया है। और इधर देख सकते हो साला, यहीं पे बीमा खा के किसी ने फेंक के रखा है। तो इधर तो कचरा नहीं है, लेकिन इधर नीचे की तरफ देख सकते हो, इधर और भी ज़्यादा कचरा है। अच्छा अच्छा एक मिनट गाइज, मैं यहीं पे वीडियो बनाने के लिए आया था, तो नेचर का साला मैं पे कचरा दिखा रहा हूँ। सॉरी गाइज, सॉरी, मैं भूल ही गया था। तो गाइज ओके, तो इधर देख सकते हो कितना बढ़िया सा एक नेचर है। इधर ताल का पेड़ है कितना सारा, देख सकते हो। मैं आपको पहले ही बोला था यहाँ का नेचर काफ़ी बढ़िया है, यहीं पर हर कोई आता है फोटो क्लिक करने, रील्स वीडियो बनाने। और जब शाम Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, तो आओ इधर। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पे जो झाड़ी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो मैं यहीं पे एक तो अपना दोस्त को भेजा था, तो उधर से गया था, तो वो जाना नहीं चाह रहा था, फिर भी उसको वहीं पर जोर से भेजा सिर्फ एक सिनेमेटिक शॉट लेने के लिए। तो गाइस देख सकते हो, यही है वो सिनेमेटिक शॉट, 4-5 सेकेंड का था। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। तो गाइज, अभी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो के लिए, तो उस झाड़ी में जाना बहुत रिस्की था, सांप बिच्छू भी था, उसको काट सकता था, फिर भी हम लोगों ने बहुत रिस्क ले लिया सिर्फ 4-5 सेकंड का एक सिनेमेटिक शॉट लेने के लिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।